वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ पर्पल हॉल। हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, आपको तो पता चल ही गया। तो हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे सोशल मीडिया साइट पर मुझे फॉलो कर लेना। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज़ माई फेसबुक आईडी। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। हाँ हाँ, एक और बात, मेरा एक पिंटरेस्ट आईडी भी, अगर आप चाहो तो वहाँ पे मुझे ज़रूर से फॉलो कर सकते हो एज अ रोज। हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर मेरा कॉन्टेंट आप लोग पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड विदाउट एनी फर्दर अदर, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शो करना चाहती हूँ ये वाला फेस वॉश। ये है लोटस का, लोटल बोटानिकल्स का वाइटामिन सी फेस वॉश। ये फेस को डीपली क्लींस करता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फेस वॉश है। अगर आपके फेस पर भी डलनेस है, एक ग्लो नहीं है, तो प्लीज़ इस फेस वॉश को ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा एक फेस वॉश है। इसका जो प्राइस है 475 रुपीज़, 475 रुपीज़ से हमें मिल जाता है 200 ml, 180 ml, विच इज़ एनफ। तो ये वाला फेस वॉश तो अभी मैं रिसेंटली यूज़ करूँ, मुझे तो अच्छा लगा। तो ट्राइड आउट, मैंने फर्स्ट टाइम लोटस का कोई प्रोडक्ट ट्राई किया एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये था वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से परचेस किया था। मैंने ऑर्डर किया था ये वाला फेस स्क्रब, ये है लोटस बोटानिकल का विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। ये बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब है, मैंने इसे 2 से 3 बार यूज़ किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। तो इसका जो प्राइस है 375 रुपीज़ आई गेस था। तो इसका 375 रुपीज़ में हमें मिल जाता है 100 ग्राम, विच इज़ एनफ। ये बहुत ही अच्छा एक फेस स्क्रब है। इसके जो स्क्रब पार्टिकल्स है बहुत ही माइल्ड है, लाइक मीडियम साइज़ के, इतना ना इतना ज़्यादा लाइक स्क्रब पार्टिकल्स ज़्यादा है ना इतना थोड़ा सा थे, मीडियम साइज़ के, बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ ट्राई इट। अगर आप घर पे फेशियल करना पसंद करते हो तो प्लीज़ लोटस के प्रोडक्ट खरीद लो, लाइक विटामिन सी एंड सी द ग्लो। बहुत ही अच्छा एक ग्लो देता है आफ्टर यूजिंग दिस फेस स्क्रब, तो मुझे तो अच्छा लगा। एंड ट्राई इट आउट वॉश, ये था जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से परचेज किया था। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस वाला वीडियो इतना जल्दी जल्दी क्यों गई, क्योंकि लास्ट वाला जो नायका हॉल था इतना ज़्यादा ही मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो लाइक इतना ज़्यादा बातें किया, तो उसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो मैं इस बार नहीं है सोचूं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूं ताकि आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये है लोटस का, लोटस बोटानिकल का विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग फेस क्रीम, सॉरी डे क्रीम, नाइट क्रीम भी तंगे, नाइट क्रीम मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती। तो ये वाला मैंने न्यू परचेस किया, ये वाला प्रोडक्ट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लाइक मेरी मम्मी के स्किन पे बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग ग्लो दिया, लेकिन मेरे फेस पे कुछ भी वर्क नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। आफ्टर यूजिंग दिस मेरे फेस पे लाइक पिंपल्स हो गया, आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, लेकिन जब भी मेरे मम्मी ने इसे यूज़ किया मेरे मम्मी के फेस पे लाइक ऐसा ग्लो आ गया, बहुत ही हाइड्रेट एंड प्लम्प लग गई थी, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, होता है ऐसा कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हर एक पर्टिकुलर स्किन पे लाइक सूट नहीं करती, तो ऐसा होता रहता है, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर भी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मम्मी के स्किन पे ये वर्क किया। एंड अब बता देते हैं मेरी मम्मी का जो स्किन टाइप है वो है ड्राई, मे बी इसी वजह से, आई डोंट नो क्यों हुआ क्यों नहीं। हाँ, इसका जो प्राइस है 595 रुपीज़, थोड़ा सा कॉस्टली लगा मुझे बाकी मॉइस्चराइजर के मुकाबले, लेकिन इट्स ओके, फर्स्ट टाइम परचेस था। 595 रुपीज़ से हमें मिल जाता है 50 ग्राम, तो बहुत ही कम क्वान्टिटी, अगर हमें 100 ग्राम क्वान्टिटी मिलती ना बहुत ही अच्छा, लाइक इस प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लाइक मॉइस्चराइजर मिल जाते हैं, लाइक नाइट्रोजिना, लैक्मे और बहुत सारे ब्रांड्स के अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर मिल जाते हैं, लेकिन इट्स ओके, अभी क्या ही कर सकते। तो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से मंगवाया था। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये वाला नाइट क्रीम या फिर स्लीपिंग मास्क, जो भी आप कह लो। फर्स्ट टाइम मैंने मामाअर्थ का स्लीपिंग मास्क ट्राई किया था, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट मैंने ट्राई करी इसका, ये है लोटस का बोटानिकल्स बायो रेटिना यूथ रेडियंस
स्लीपिंग मास्क, बेसिकली इस पर रेटिनॉल था, तो इसको ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने मम्मी के लिए मंगवाया था, क्योंकि ऑफकोर्स ना एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल बहुत ही अच्छा होता है, तो अभी तो एंटी एजिंग यूज़ करने के लिए मेरी एज नहीं है, तो फिर भी मैंने एक दिन ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा एक लाइक हाइड्रेटेड फेस हो जाता, बहुत ही प्लम्प एंड एक लिटिल बिट ग्लो ही देते थे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन डेली बेसिस में यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि अभी एंटी एजिंग कोई प्रोडक्ट यूज़ करने का मेरा अभी टाइम नहीं है। बाय द वे इसका जो प्राइस है 695 रुपीज़, 695 रुपीज़ से हमें मिल जाता है 50 ग्राम, थोड़ा सा लाइक मुझे जैसे मॉइस्चराइजर कॉस्टली लगा था उससे भी ये ज़्यादा ये वाला कॉस्टली लगा, क्योंकि इस प्राइस के अकॉर्डिंग कोई दूसरा स्लीपिंग मास्क भी देख सकते हो, लेकिन क्या ही कर सकते हो, इट्स ओके 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 प्रोडक्ट। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से परचेस किया। मैं बात कर रहा हूँ मेरे बहुत ही फेवरेट पार्ट के बारे में, विच इज मेकअप, तो ये है एनवाई बेकर। मैंने इस पर एनवाई बेकर सारे के सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसको परचेज किया, तो लेट्स ओपन इट। पाउच बहुत ही अच्छा है, तो फर्स्ट जो कि मेरे हाथ में एक ओल्ड आई शैडो पैलेट, हाँ फर्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये वाला सनसेट एंड सिल्क शाइन ब्लश, मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक ब्लश। इसका जो शेड है 02 क्लाउडी पिंक, बहुत ही अच्छा शेड है। अगर आप फैट टू मीडियम स्किन टोन हो ना, ये वाला ब्लश आपके फेस पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है, इवन ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मेरा लाइक मेरा जो मेकअप में फेवरेट होता है ना पार्ट्स, एक तो लिपस्टिक होता है एंड अभी फिलहाल जो है मेरा ब्लश हो गया, क्योंकि आई लव यूजिंग दिस ब्लश एंड या दिस इज़ वेरी छोटू सा क्यूट सा एक एनवाईवे का ब्लश। इसमें हमें लाइक एक ही मुझे कमी नज़र आई, तो बाकी सारे के सारे शेड बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि देख ही पाएंगे शेड एक स्वॉच, मे बी आप देख ही पाएंगे, वही यहाँ पे मैं सोच करती हूँ ताकि आप देख पाओ, मे बी आप देख सकते हो। ब्लश बहुत ही प्यारा है, इतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ईजिली जो बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन एक ही कमी लगी, यहाँ पे छोटा सा एक मिरर होता है ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेसिकली ट्रैवल में बहुत ही काम आते, ये ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि इस पर एक छोटा सा मिरर होता बहुत ही काम चल जाता, अदरवाइज प्रोडक्ट इज़ गुड। तो इसका जो प्राइस है जो 230 रुपीज़, लेकिन आपको ईजिली एनवे ब्रांड पे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो या दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने मेकअप के लिए मंगवाया था। सर मैंने परचेज़ किया था ये वाला आईलाइनर, ये है एनवाई बेक का आईलाइनर, तो इसको मैंने अगेन रीस्टॉक किया, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल एक आईलाइनर है। इसका जो प्राइस था, मैंने जिस प्राइस में परचेज़ किया था 45 रुपीज़ ओनली, तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 70 रुपीज़ अकॉर्डिंग 70 रुपीज़ में भी था, क्योंकि कभी एक्चुअली प्राइस चेंज होते रहते हैं। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे परचेस किया था वो था 60 रुपीज़ में भी, मुझे जितना याद है, लेकिन नेक्स्ट मैंने जिस इस बार जब परचेस किया 45 रुपीज़ में ये वाला आईलाइनर मिला, तो 45 रुपीज़ हमें मिलता है 6 ml, विच इज़ गुड। ये बहुत ही अच्छा एक आईलाइनर है, तो इसका जो टिप आप देख लीजिए, लाइक एवरेज आईलाइनर 60 रुपीज़ आप कैसा ही लाइक, लेकिन 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा एक आईलाइनर, मुझे तो अच्छा लगा। ये बहुत ही जेट ब्लैक एक आईलाइनर है, तो आई लव दिस आईलाइनर। अगर आप टीनेजर हो, बिगिनर हो, कोई अंडर 50 या फिर अंडर 100 रुपीज़ में अच्छा सा आईलाइनर ढूंढ रहे हो, तो प्लीज़ गो फॉर दिस। तो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से परचेस किया था। मैंने परचेस किया था एक आई शेडो पैलेट, विच इज़ दिस वन, ये है एनवाईवे का आई लव आई शेडो पैलेट। इसका जो शेड है एवरीडे एसेंशियल। इसका जो प्राइस है 299 रुपीज़, लेकिन आपको ईजिली 230 तक ये वाला जो आई शेडो पैलेट है मिल जाएगा। इस पर हमें मिल जाता है 3 शिमर शेड एंड बाकी के सारे मैट शेड मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे पैलेट है, अगर आप एवरीडे में मेकअप करना पसंद करते हो या फिर एवरीडे में आपको लाइक ऑफिस में मेकअप करके जाना हो, तो ये वाला पैलेट बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस पर पिंक भी है, न्यूड भी है, ऑरेंज भी, लाइक स्मोकी आईलुक भी कर सकती है या फिर न्यूड आईलुक भी कर सकती है। ये वाला पैलेट मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है, लेकिन हाँ अगर आप ये वाला लाइक परचेस नहीं करना चाहते, लाइक बहुत ही न्यूड एक शेड या फिर स्मोकी लुक करना चाहते हो, तो मेरे पास एक और पैलेट है विच इज़ दिस वन। इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, आप जैसे कि देख ही पाएंगे। इसको मैंने लास्ट ईयर परचेस किया था, इस पर लाइक स्मोकी इस पर आपको 1 2 3
थ्री शिमर शेड एंड बाकी के सारे मैट शेड मिल जाता है, जिसके देखे पाएंगे इस स्पेल से आप स्मोक के आई लुक इजिली क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 न्यूड शेड भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ये वाला पैलेट नहीं परचेस करना चाहते ना, ये वाला कर लो, बहुत ही काम आ, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है। आप इसे एज ए आईब्रो फिल भी कर सकते हो, आईलाइनर भी लगा सकते हो, एंड हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो ये वाला शेड, या फिर ये वाला शेड, या फिर ये वाला शेड को एज ए हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो पैलेट है वो बहुत ही मल्टीपर्पज़ है, एंड सेम प्राइस 299 रुपीज़। इसका जो शेड था ग्लैम गॉडेस, तो इसके लेकिन आपको इजीली 230 तक ये वाला पैलेट एंड ये वाला पैलेट भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है दोनों के दोनों, लाइक जो पिगमेंट है आप इससे बिल्ड भी कर सकते हो इजीली। तो आई लव दिस पैलेट। पैलेट भी बहुत ही अच्छा है, जो मैंने आगे पहले दिखाया था ग्लैम गॉट, उस ये भी अच्छा है। लाइक एनवे के सारे आई शेडो पैलेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने जस्ट ऑल्टरनेट रखा था कि अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो ये वाला परचेस कर सकते हो। अदरवाइज दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह पर। एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रो जो कि मैंने पर्पल से परचेस किया था। नेक्स्ट मैंने परचेस किया था एक हाईलाइटर। आई नो बहुत सारी लड़कियों को हाईलाइटर लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। उन लड़कियों के लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ एनवर वेकर शाइन एंड शिमर हाइलाइटर। इसका जो शेड है 1 स्टारी सिल्वर, क्योंकि मेरा मुझे गोल्ड या फिर शैम्पेन शेड का कोई सा भी हाइलाइटर लगाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे ओनली स्टारी सिल्वर शेड में जो भी हाइलाइटर होते हैं वो मुझे लगाना बहुत ही पसंद है। इसका जो प्राइस है 275 रुपीज़, लेकिन आपको ईजिली 200 to 170 रुपीज़ तक के वाला जो प्रोडक्ट है मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो छोटू सा पैकेजिंग, यहाँ पे अगर एक छोटा सा मिरर होता तो बहुत ही अच्छा लगता। आप शेड देख ही पा रहेंगे, मे बी स्क्रीन पे मेरा कैमरा इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये वाला जो हाइलाइटर मुझे बहुत ही पसंद है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ही छोटू सा है, बैग के किसी भी कोने में इजिली घुस जाएगा, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आई लव दिस प्रोडक्ट। दिस इज अ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से परचेस किया था। मैंने ऑर्डर किया था एक आईलाइनर है, एनवे का एलिस आईलाइनर लिक्विड आईलाइनर, क्योंकि मेरे पास बहुत से आईलाइनर थे लेकिन ये वाला वन ऑफ द फेवरेट है। क्योंकि मैं बताती हूँ, इसका जो शेड है ब्लैक पर्ल 1, तो इसका जो प्राइस है 189 रुपीज़, लेकिन आपको ईजिली 150 तक ये वाला जो आईलाइनर है मिल जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सेल पे होता है जब मैं देखती हूँ। इसका जो टिप है बहुत ही फाइन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला आईलाइनर। अगर आपको प्रॉब्लम होती है लाइक आईलाइनर लगाना, तो प्लीज़ इसको परचेस कर लिए, बहुत ही लाइक अच्छा है। एंड इवन ये वाटर प्रूफ भी है, बहुत ही लॉन्ग लास्ट करता है। ये वाला मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक आईलाइनर है। अगर आप बिगनर हो या फिर टीनेजर हो तो प्लीज़ गो फॉर दिस, बहुत ही अच्छा एंड अफोर्डेबल एक प्रोडक्ट है। दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से परचेस किया था। मैंने मंगवाया था एक मस्कारा, क्योंकि मैंने तो मेरे पास तब कोई सा भी मस्कारा नहीं था कर लो, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट एक मस्कारा परचेस कर ही लूँ। यह है एनवे का आई लव आई एम मस्कारा। इसका जो प्राइस है 299 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू मस्कारा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लाइक बहुत ही ड्राई एक मस्कारा। ये वॉल्यूमिनस मस्कारा लेकिन फिर भी बहुत ही ड्राई है। इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा सा है, बहुत ही लाइक ड्राई एक मस्कारा, आप जिसके देख ही पाएंगे बहुत ही ड्राई है। मुझे इतना ज़्यादा लाइक मस्कारा पसंद नहीं आया मेकअप में, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, जिसके स्क्रीन पे देख ही पाएंगे बहुत ही ड्राई एक मस्कारा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन इट्स ओके अभी परचेस किया, क्योंकि अभी तक तो रिटर्न पॉलिसी रही भी नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं इसे बिल्कुल भी परचेस नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत ही बकवास एक मस्कारा है। इसके अल्टरनेट आप ये वाला परचेस करते हो, बहुत ही अच्छा एक मस्कारा है। एंड या दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से परचेस किया था। नेक्स्ट मैंने परचेस किया था ये वाला लिक्विड आई शेडो, विच इज़ एनवे का आई लव लिक्विड आई शेडो। इसका जो प्राइस है 235 रुपीज़। 235 रुपीज़ आपको मिल जाता है, 0.2 ml हमें मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट। तो इसका जो शेड है कॉपर शाइन, इसका लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। बहुत ही अच्छा एक लिक्विड आई शेडो, तो अगर आप कोई सा भी अफोर्डेबल अच्छा एक लिक्विड आई शेडो ढूंढे तो प्लीज़ गो फॉर दिस। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, पिगमेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता, तो मुझे यही बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है।
एंड आई लव दिस. दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट मैंने पर्पल से परचेज किया था. आई नो आज का हॉल थोड़ा सा छोटा था, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, लास्ट टाइम नायका का हॉल बहुत ही बड़ा हो गया था, तो उस वजह से बहुत लोगों ने नहीं देखा. तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा छोटा रखूँगी, लेकिन हॉल में पूरा कवर करूँगी. आई गेस दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें. अगर मेरे कॉन्टेंट आप लोग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें. एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ चाहो तो यहाँ पर मुझे ज़रूर से फॉलो कर सकते हैं. दिस इज़ माई फेसबुक आईडी, अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो. एंड दिस इज़ माई पिंटरेस्ट आईडी, अगर आप चाहो तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो एज योर विश. कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वीडियो, कौन सा प्रोडक्ट आप लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एंड कौन सा प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो चाहते हो. एंड बाय बाय, अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.